अफजल आजमी की वोट हो। समय से और खासकर तीन चार महीनों में पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो जुल्म हुए हैं, वो सारी हदें पार कर गए। हमारे उस टाइम पे जो पुरुषार्थी भाई थे, पाकिस्तान इसलिए छोड़ा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच जाए, वरना पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म कबूल करके तो हम लोग भी रह सकते थे, लेकिन हमको अपनी आन बान इज्जत और धर्म प्यार था, इसलिए हम यहाँ आए। और अब जो आजादी के टाइम जो 17% हिंदू आबादी थी पाकिस्तान में, आज अन्याय की वजह से घटते घटते 3% रह गई है। और अब हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सिंधी भाइयों को, और चाहे किसी भी जात का हो, अगर वो हिंदू है तो उसका खून खोल रहा है। अन्याय नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। अभी आने वाली 23 तारीख को जो हमारी बहन नम्रता की हत्या हुई है, और घोट की, हमारे शहर घोटकी में जो हमारे SIT साहब सत्तर साहब की जो दरबार है, उसमें जो हमारी पौराणिक पांडुलिपियां थी, हमारी सिद्धि संस्कृति की जो धर्म से धार्मिक ग्रंथ जिनके लिए हम जान भी दे सकते हैं, उन्हें जलाया गया, हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, जो कत्लेआम हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम अपनी आवाज यहाँ अलवर के माध्यम से जयपुर और फिर 23 तारीख को दिल्ली पहुंचाकर पाकिस्तानी असेंबली के घेराव की योजना चल रही है, और हम ये दिखा देंगे कि हिंदू चाहे यहाँ बैठाओ, लेकिन हिंदू अन्याय नहीं सहेगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं और हो। इस बारे में अपनी एकता दिखाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आपने देखा कितनी तकलीफ है, कितना आक्रोश है, और रिजल्ट लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। किसान प्रधान किशनगढ़ वास। अरे आगे मुर्दाबाद।